अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने जो है ना थंबनेल देख के पता लग गया होगा आप लोगों को कि जो है ना किस टॉपिक पे आज जिनसी ने ये वीडियो है। फिर भी चलें, अगर कई भाइयों को नहीं पता, उम्मीद तो है पता होगा यार। तो कुरीज से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये आज मैं जो है ना उसका एक और पार्ट बना रहा हूँ। आज रात को तो इधर बहुत जो है ना बारिश हुई है, अभी हल्की हल्की धूप निकली है, तो मैंने मुर्गे भी निकाले हुए थे। तो मैंने कहा जो है ना आप भाइयों को इसका शौक करवाते हैं, ठीक है। आप ये माशाल्लाह चेक कर सकें तो दूसरा मुर्गा जो है बिल्कुल इसकी जो है ना जिसने सारी कुरी स्टार्ट की थी। पहला पार्ट आप जब देखेंगे ना तो उसमें ये वाला मुर्गा था, ठीक है। तो ये बिल्कुल गंजा था और लेकिन माशाल्लाह अभी जो है ना इसने क्रीज स्टार्ट की है। कई भाइयों का आज ये भी गिला होता है कि यार हमारे मुर्गे ने क्रीज स्टार्ट करके जो है ना रोक दिया है। तो फ्रेंड्स, मुर्गे क्रीज इसी वजह से रोक जाते हैं, उनको जो है ना खुराक अच्छी नहीं मिल रही होती, उनके अंदर के जिसम की जो है ना कैल्शियम विटामिन ज़रूरत होते हैं ना क्रीज जब कर रहे होते हैं, तो वो इनका जो है ना काफ़ी सारा इनका जोर लगता है मुर्गे का। तो अगर मुर्गे की खुराक अच्छी नहीं होगी या कोई और मसला होगा, कोई आज़ादी वगैरह नहीं दे, तो आज़ादी अगर नहीं देते तो फिर उसको जो है ना चीज़ें उसकी पूरी होनी चाहिए अंदर से, जितने भी इनको विटामिन कैल्शियम मिनरल चाहिए होते हैं ना, वो फिर आप खुडे में इनको पूरे करें, जो कि काम इंसान जो है ना पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए जो है ना एक तो आपने आज़ादी देनी और बाकी कुरीज के लिए मैंने आप भाइयों को बताया हुआ, ठीक है। कुरीज और मुर्गा कमज़ोर भी ना हो कुरीज में, सरसों जो से आपने इस्तेमाल करवाने, सरसों के बीज जो से होते हैं वो अपने दाने में, और जब क्रीज कर रहे हो तो दाना भी कोशिश किया करें दो तीन किस्म का मिक्स करके रखें, ठीक है। जिस तरह के मैं करता हूँ जो है ना, ये गंदम मकई होगी, ज्वार होगी, ठीक है, बाकी बाजरा भी होता है, ठीक है। और दूसरे तीसरे दिन आप जो है ना एक अंडा उबाल के इन्हें दे दें, और अगर सोमवार को आपने अंडा दिया ना तो फिर जुमेरात वाले दिन आपने जो है ना एक खजूर खिला देनी है, ठीक हो गया। तो इससे जो होता है कि मुर्गा जो है ना अंदरूनी तौर पे फिट रहता है। ये मस्ती आप देख रहे हैं ना, ये इसी वजह से, बाकी कोई ये नहीं है कि मैं कोई स्पेशल खुराक दे रहा हूँ या ये वो, बस यही भाई बातें होती हैं, ठीक है, जो कई लोग बताते नहीं हैं, ठीक है। बाकी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुरीज कर रहे हैं तो किसी का जो है ना शिकारी से पता करें तो ये वो, बस आपको खुराक उसकी अच्छी रखें, खाना पीना उसका फिट रहे, ठीक है, तो मुर्गा भी जो है ना आपके फिट ही रहते हैं। ये नहीं है कि जो है ना पता नहीं यार वो शिकारी जो है कौन सी खुराक देते हैं उनकी मुर्गे इस तरह फिट रहते हैं, तो ऐसा वैसा कोई नहीं है। आप उनको खुराक अच्छी दें और सिर्फ सरसों के बीज भी दें ना, तो उससे माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त कुरीज करते हैं। यह अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी इसने जो है ना बिल्कुल आप कह लें कि ये 20 से 30% इसने कुरीज की है, लेकिन क्वालिटी आपके सामने ही ऐसे पता लगता है कि जिस तरह ये तेल लगे हुए हैं, जैसे कि बंदा गाड़ी को सर्विस करता है ना, डीजल मरवा दे तो उसके बच्चे चमकती है, तो ये ऐसे है, ठीक है। बाकी ये देखें कोई तेल वगैरह जो है ना इस तरह लगाया हुआ नहीं है, और ना ही कोई इतनी कोई स्पेशल खुराक बंदा कहेगा अब बहुत महंगी है ये, तो तकरीबन आम से आम बंदा भी जो है ना इस्तेमाल करवा सकता है, और मकदार भी साथ में बता देता हूँ, ठीक है। फिर क्योंकि कई भाई कहेंगे यार आपने बताया नहीं है, वैसे तो मैंने पहले बताया हुआ, जो पुराने भाई होंगे जो पहले देखते हैं, ठीक है, उन्हें तो पता होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आपका 5 किलो दाना है ना, कोई भी है, मिक्स है या जो है ना एक ही दाना रखा हुआ है, उसमें आप जो है ना 40-50 रुपये की तकरीबन पाओ एक जो है ना सरसों मिल जाएगी, सरसों के बीज, तो वो आप जो है ना इसको डाल दें, बस वो अच्छी तरह मिक्स करके वो आप इसे खुराक दें, और ये माशाल्लाह जो है ना शुरू शुरू में छोड़ते हैं लेकिन बीच बीच में खाते भी रहते हैं। ये नहीं है कि जो है ना आपने एक दो दिन देखा हो यार ये तो खा रहा नहीं है, तो आप बस डाल के छोड़ दिया करें या खुद ही खा जाते हैं। बाकी मस्ती आपके सामने, ठीक है। मुर्गे के आगे से छाती आप देख लें, कहीं से अगर कमज़ोर है तो तब भी आप बताएँ, हालाँकि ये फुल क्रीज में है। कहीं होते हैं ना सिर्फ गर्दन की कर रहे हो, फिर गर्दन की मुकम्मल करके फिर छाती पे आते हैं, छाती करके कमर पे, कमर की फिर करते हैं, फिर दुम की करते हैं, तो उनका इतना मसला नहीं होता। कहीं मुर्गे होते हैं जो
पूरी जो है ना कुरीस एक साथ स्टार्ट करते हैं, जिस तरह अभी इस मुर्गे ने की हुई है। मैं इस मुर्गे की वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बाकी और भी हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना स्टेप बाई स्टार्ट की है। लेकिन जब मुर्गा एकदम पूरे जिसम की कुरीस स्टार्ट करता है ना, तो कमज़ोरी उसमें पड़ती है, कहीं मुर्गे सोकड़े में चले जाते हैं। तो ये आप माशाल्लाह देख सकते हैं, गर्दन से ले कर जो है ना दुम तक। बाकी अगर कहते हैं तो मैं आपको ये छाती भी दिखा देता हूँ, ठीक है। छाती की भी ये क्रीज लगे हुए, परों की भी, ठीक है, पूरे जिस्म की क्रीज लगे हुए। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद कर दूँ आपको जो है ना वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए जो है ना पहले ही दिल से जो है ना माजरत, और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें अगर कोई बात अच्छी लगती है तब भी, और अगर बुरी लगे तब भी, ठीक है। बाकी जो नए भाई हैं जो पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जो है मुर्गों से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ। कभी शौक शिकार हो गया, जैसे अभी कुरीज चाह रही है तो कुरीज पे बना रहा हूँ, ठीक है। कोई बीमारी होगी, ज़रूरी नहीं कि मेरे मुर्गों को आएगी तो मैं बनाता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे और जो है मैं टिप वगैरह भी जो है ना साथ साथ देता रहता हूँ, जिस तरह अगर मैं अपने मुर्गे कोई जो है ना एहतियाती या पालती तौर पे कुछ करता हूँ तो वही बता देता हूँ, जी मैंने ये किया, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ ज़ुबान से मैंने कह दिया कि नहीं यार ये कर दें ये कर दें, वो नहीं, मैं वो बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।